मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई बंदा इस फैक्ट्री को नेक नियति के साथ लगाए और वो नाकाम हो जाए, ये बात नहीं मानता मैं। और दूसरी बात असद भाई, ये मशीन जो है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उसको चलाना मुश्किल है। हर आम बंदा या औरत इसको बआसानी आराम से चला सकती है। मेरा ज़ाती तजर्बा है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क में सबसे जो आसान काम है वो पैसा कमाना है, क्योंकि अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दे दी है और मैं पैसा कमाने लग गया हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप मुझसे ज़्यादा ज़हीन भी होंगे और मुझसे ज़्यादा मेहनत भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। अगर एक शॉप से 500, 700, 800 कमा सकता है, तो अगर वो एक शहर को कवर करेगा तो उसमें सिर्फ 10 शॉप भी कर ले तो मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार की डेली की उसकी दिहाड़ी लग सकती है। ऐसे जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये काम असल में मैंने किया है। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा हूँ और ये मतलब ये राज की बात है, टूल्स है जो मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि हमारी आवाम जो है ना, असल में हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास सोच है लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं दिखा रहा, पहली सीढ़ी नहीं दिखा रहा। अगर उनको सिर्फ सीढ़ी दिखा दी जाए ना तो हमारे मुल्क में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। हर बंदा अपना काम कुछ ना कुछ जरूर करे। तो बातें तोड़ दो रिवायतें, कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया आपकी मिसाल दे। आज हम पाकिस्तान के उस नौजवान के पास पहुंचे हुए हैं जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। इनका यह मानना है कि इस दुनिया में, खास तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में, पैसा कमाना बहुत ही आसान काम है। इन्होंने एक छोटे से कमरे से यह फैक्ट्री लगाई थी, 2-3 महीनों की ही बात है और 2-3 महीनों में माशाल्लाह लाखों रुपए की इनकम पर पहुंच गए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसा यह काम है, कौन सा यह बिजनेस है, महाना कितना कमाया जा सकता है, मार्केट के हवाले से, इस बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से तमाम तरह बातें जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। सर क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है सर? आजकल तो आपके चर्चे ही चर्चे हैं। बस अल्लाह ने इज्जत दी है माशाल्लाह, जबरदस्त। ये बताएं जनाब, अपना तारुफ कराएं हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम जो है वो हाफिज असदुल्ला है और मैं दौरा हदीस का तालिब इल्म हूँ। मैं दरस निज़ामी कर रहा हूँ, सिर्फ 2-3 मंथ मेरे रह गए हैं। अच्छा, मैं इंशाल्लाह मेरा दरस निज़ामी मुकम्मल हो जाएगा। साथ में मेरी जिम्मेदारी में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि मगरिब इशा फजर की नमाज मेरे जिम्मे पे है, क्योंकि वालिद साहब जो है वो मामू खतीब भी हैं, तो जोहर असर उनके जिम्मे पे है और मगरिब इशा फजर मेरे जिम्मे पे है। जबरदस्त माशाल्लाह। हाफिज साहब ये बताएं कि आपने जो ये फैक्ट्री लगाई, कैसे ख्याल आया, क्या बजट था, क्या सोच थी आपकी, कैसे काम स्टार्ट किया? असल में ना ये कोविड के बाद का ज़माना है और ये तकरीबन जून जुलाई की बात है। हालात जो थे ना वो सब बड़े अजीब से थे, कारोबार हो नहीं रहा, हर बंदा रो रहा है कि कारोबार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और मुझे शौक भी पड़ा कि पता नहीं ये कारोबार है क्या, जो लोग कह रहे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उस वक्त जो डिस्पोजिबल, हर चीज़ डिस्पोजिबल डिस्पोजिबल थी, तो जो दूसरे प्लांट थे वो बहुत महंगे महंगे, जो थर्मापोल के दूसरे, तो मैंने कहा यार कुछ ऐसी चीज यूज की है जो घर में बने। तो उस वक्त ख्याल आया गत्ता प्लेट्स का जी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह घर से शुरू हुआ और अब आपके सामने है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। ये बताएं क्या इन्वेस्टमेंट थी आपके पास, कितने पैसे थे, और यही काम आपने तो कोविड की वजह से शुरू किया, ये तो जबरदस्त है, लेकिन क्या सोच थी आपकी कि इतने कम पैसों में कैसे स्टार्ट किया जाए? असद भाई आपने बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल किया कि इन्वेस्टमेंट, यकीन करें यकीन करें, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बड़ी ही मुश्किल से, अभी भी कुछ लोग हैं कि जिनको पता है कि मैंने उनसे कैसे पैसे लिए हैं, उनसे मैंने उधार लेके ये काम शुरू किया है। और जब मैंने, मुझे तकरीबन 5,000 रुपये कम पड़ गए थे, उस 5,000 से तकरीबन मैंने 4-5 दिन मशीन को डिले किया, वो 5,000 मुझसे नहीं हो रहे थे, फिर एक बंदे से 5,000 लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मशीन ली। और मशीन के बाद मैंने पहले महीने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। एक तो ये कि मेरे साथ जो है ना मेरी वालदा और मेरे वालदैन की दुआएं जो है ना मेरे साथ साथ है, क्योंकि अभी तक उन्होंने मुझ पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लगाई इन फैक्ट्रियों के बावजूद। वो कहते हैं यार तुम कामयाब हो गए तो समझो हम कामयाब हो गए हैं। क्या बात। लेकिन उसके साथ साथ जब मैंने पहले महीने मेहनत की है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि मेरे पास एक चैलेंज भी था कि पता नहीं ये कारोबार है क्या चीज, कारोबार कैसे करते हैं, और बड़ा सीख सीख के लोगों से पूछ पूछ के मैंने काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि 5 महीने में अल्लाह ने मुझे ये तीसरी जगह था फरमाया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, 5 महीनों में ये तीसरी फैक्ट्री, क्या बात है सर, क्या आपकी अचीवमेंट है। जनाब ये बताएं कि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी रही, पहला कस्टमर आपको कैसे मिला था, पहला वर्कर आपको कैसे मिला था,
मशीन के हवाले से आपने बता दी, कैसे आपने डील की थी कि माल को मेन चीज बनाना आसान काम है, बेचना बहुत मुश्किल है। आपने कैसे बेचा था, कैसे पहला कस्टमर लिया आपने? असद भाई आपको एक बात बताऊं, इस काम में माल बनाना आसान है, माल बेचना उससे बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा, वेरी गुड। माल बेचना बहुत, और इसके अलावा जितने भी बिजनेस है ना, आपको मसला आता है कि यार माल नहीं लेगा, माल रिजेक्ट हो जाएगा, क्रेडिट का, कैश का, लेकिन इस काम में सबसे बड़ी बात जो है मुकम्मल कैश है और मुकम्मल आसान है, क्योंकि ये डिस्पोजिबल है, एक बार यूज किया गिरा दिया। क्योंकि जो थर्मापोल है, दूसरी जो प्लेटें हैं, उसके बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, चाइना ने लगाए हुए हैं, बड़े बड़े प्लांट है, उनकी प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है। ये जो प्लेट्स है ये हमने आप जैसे लोगों ने लगाई हुई है, तो इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, और इसकी डिमांड जो है ना वो पूरी करना ना बहुत मुश्किल। आजकल आपका क्या टारगेट है, आप जो माल बना रहे हैं अपनी फैक्ट्री में किन को दे रहे हैं, ये आखिर में इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? तो डिस्पोजिबल प्लेट ही ठीक है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ हो रही है? जी जी, ये जो एक बार बताऊं, जो मैन्युफैक्चर होता है ना, इसके पास कस्टमर खुद आते हैं, जब वो मुकम्मल उसके सेटअप्स बन जाते हैं, जब उसके पास बल्क क्वांटिटी बन जाती है, तो उसके पास कस्टमर खुद आते हैं। पहले मैं कस्टमर के पास गई हूँ, उसके बाद जब पता लगा कि ये काम करने वाला है, इसके पास क्वांटिटी भी है, क्योंकि मार्केट में ये चीज हमेशा शॉर्टेज रहती है, तो अब कस्टमर मेरे पास खुद आते हैं। सर, हमारी कामयाबी इसी में है, हम अपने प्रोडक्ट बना के लोगों तक कब फिरते रहेंगे, कब तक मार्केट के चक्कर लगाते रहेंगे? मैं कहता हूं कि वो वक्त जल्दी आ जाए जब कस्टमर आपके पास चल के आए, जब कस्टमर चल के आएगा, दाम अपना होगा, काम आपका होगा, उसमें इनाम फिर आपका होगा। जनाब माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, नौजवान हमारे लोगों के लिए आप एज ए मोटिवेशन है, आप बहुत अच्छा काम करें। मेरे यकीन के जब भी मैं इंटर हुआ ना, तो मैं बहुत खुश हो गया आपके काम को देखकर। एक और सवाल यहां आपसे करना चाहूंगा हाफिज साहब, ये बताएं कि जब आपने ये काम स्टार्ट किया, पहला महीना आपकी मेहनत जो होती है ना, उसका जो सिला इंसान को मिलता है वो बड़ा जबरदस्त होता है, और उसकी खुशी बहुत अच्छी होती है, और मजा आता है बंदे को काम करने का। क्या इनकम थी आपकी पहले महीने में? असद भाई पहला महीना जो था ना, वो मुझे बहुत से चैलेंजेस भी थे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो खानदान है वो उलमाओं का खानदान है, यानी कि हम सारे, मेरे वालिद साहब भी आलिम हैं, मेरी सिस्टर्स भी आलिम हैं, मेरा छोटा भाई भी आलिम, मतलब मैं खुद भी आलिम हूँ, मेरे चाचू वगैरह सारे आलिम हैं। हमारे लिए बिजनेस करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, पता नहीं कि यार ये बिजनेस में कामयाब होता भी है कि नहीं होता। और ऊपर से मेरी शादी हुई थी, शादी के मेरे सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 माह हुए थे, और मेरे लिए बहुत बड़े चैलेंज थे कि पता नहीं मैं कामयाब होता भी हूँ कि नहीं होता। तो मैंने मेहनत जो की थी वो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, और अब तक मैं, अब पहले मैंने हार्ड वर्किंग की है, अब मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्किंग कर रहा हूँ कि सिर्फ कैमरे मैंने लगाए हैं फैक्ट्री में, वहां मेरे कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ मेरे कैमरे लगे हुए हैं, जस्ट मैं कैमरों को देखता हूँ। लेकिन जो मैंने पहले महीने मेहनत की थी, तकरीबन 34-35 दिन में जो मैंने अपना निकाला था, वो अल्हम्दुलिल्लाह 1,32,000 जो मैंने कमाया। हाफिज साहब ये बताएं कि जब काम बंदा स्टार्ट करने लगता है, वो कहता है कि यार मैंने मशीन लगा ली, अब मैं वर्कर रखूं, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये बताएं कि शुरू में आपने कितने वर्कर लिए थे, कहाँ से स्टार्ट किया था? असद भाई मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैंने मशीन के पैसों में सिर्फ 5,000 कम थे, उस 5,000 कम के लिए मैंने 4 से 5 दिन मशीन नहीं ली, सिर्फ 5,000 मैं वर्कर कहाँ से रखता? उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने खुद आके काम किया, मैंने काम को समझा, मैंने देखा क्या ग्रामेज है, कितनी प्लेट्स निकल रही हैं, तोड़े में क्या हो रहा है, मार्केट में जाके मैंने खुद सेल किया, बल्कि मेरी पूरी फैमिली ने मुझे मुकम्मल तौर पे सपोर्ट दिया, मेरी वालदा ने, मेरे वालिद साहब ने, मेरे भाइयों ने, मेरी वाइफ ने, मेरी बहनों ने, सब ने मुझे मुकम्मल तौर पे सपोर्ट दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अगर कोई कस्टमर, अगर कोई बंदा ये कह दे कि मैं काम ना देखूँ, बस मशीन ले आऊँ, वो किसी बंदे को रख दूँ, तो असद भाई ऐसे कामयाबी फिर मुश्किल से मिलती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने हाफिज साहब, बेस्ट बात यह है कि हम खुद जो करें ना, फिर लोगों को कहते हैं इल्म बांटना चाहिए, सुन्नत नबी है, लोग इल्म बांटें, दूसरों को बताएं। मैं अब ये आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान के लोगों के लिए ये काम कितने हद तक सिक्योर है, और क्या इस काम की इतनी पाकिस्तान में वैल्यू और डिमांड है कि हर पाकिस्तानी नहीं तो अगर चंद एक इसको स्टार्ट करना चाहे तो क्या वो एक रीज़नेबल अमाउंट माना के बुनियाद पर कमा पाएंगे या नहीं? असद भाई मैं ना आपकी वीडियो में एक छोटा सा चैलेंज भी दे रहा हूँ कि क्योंकि मैं लाहौर में हूँ, लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है आबकारी मार्केट अनारकली,
ठीक है, पूरे पाकिस्तान को वहां से डिस्पोजेबल का सामान जाता है, वहां पे लोग एक दुकान है उसके 15-15, 20-20 गोदाम है, ठीक है, उसमें करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें किसी के पास गत्ता प्लेट 15-20 हजार की भी आपको कहीं से नहीं मिलेगी, बल्क क्वांटिटी किसी के पास नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है इस वक्त। और दूसरी बात, आपने कहा कि एक हमारे मुल्क में एक नौजवान के लिए कितना सिक्योर है, देखिए ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, ठीक है, ये देखें आपने ये आपके इसकी जो सेल पॉइंट है, सेल टारगेट है, वो लामहदूद है, आपके ग्रोसरी की दुकानें कम हैं, लेकिन आपकी शवारमा, आपके बर्गर्स की दुकानें उससे बहुत ज्यादा हैं। और तीसरी बात ये कि कितना कमा सकता है असद भाई, इसमें आप जितना कमा सकते हैं ना वो आपके ऊपर है, जितना गुड़ डालेंगे आप उतना ही मीठा होगा। अब मिसाल के तौर पर ये एक बर्गर पॉइंट्स है, उसमें 4 से 5 चीजें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें एक चीज जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी 4 चीजें आपको लेनी पड़ती है दुकान से, वो चीज मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये गत्ता प्लेट्स। आपके अगर आप अपनी गत्ता प्लेट्स बना रहे हैं और आप एक दुकान के पास जा रहे हैं, उसके पास एक बर्गर के लिए शवारमा केचप यूज हो रहा है, मायोनीज यूज हो रहा है, लिफाफा यूज हो रहा है हॉकी कवर का जो बर्गर को पैक करने के लिए हो रहा है, उसके अलावा टिश्यू पेपर यूज हो रहा है, जो मुख्तलिफ किस्म के सेलमैन लाके उनको देते हैं, लेकिन ये चीज जो है ना, ये चीज ये उनको फैक्ट्री से या कोई मैन्युफैक्चरी देता है, लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चर उनको ये भी दे साथ में कहे भाई मैं आपको मुख्तलिफ जो 4 एटम्स है, केचप, मायोनीज, टिश्यू पेपर और बर्गर लिफाफा ये भी दूं, तो आप 400-500 वहां से, 200-300 यहां से, एक दुकान से आप 700-800 हजार रुपए कमा सकते हैं। दिन की आपने सिर्फ 5 दुकानें की हैं, सिर्फ 5 दुकानें पूरे दिन में, और आप आराम सुकून से आप खुद बताएं कि कितना हो जाए। अगर एक शॉप से 500-700-800 कमा सकता है, तो अगर वो एक शहर को कवर करेगा तो उसमें सिर्फ 10 शॉप भी कर ले तो मेरे ख्याल से 8-10 हजार की डेली की उसकी दिहाड़ी लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम असल में मैंने की है। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मतलब ये राज की बात है, टूल्स है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि हमारी आवाम जो है ना, असल में हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास सोच है लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं दिखा रहा, पहली सीढ़ी नहीं दिखा रहा, अगर उनको सिर्फ सीढ़ी दिखा दी जाए ना तो हमारे मुल्क में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हर बंदा अपना काम कुछ ना कुछ जरूर करेगा। सही हो गया। अच्छा हाफिज साहब, अहम सवाल ये है कि मतलब कि फैक्ट्रियां लगाना भी बहुत आसान काम है, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ होती है उसकी रहनुमाई करना। मेरा सवाल यह है कि हमारा आम बंदा, हमारा आम बहन भाई अगर इससे फ़ायदा लेना चाहे इस फैक्ट्री से, तो वो इससे कैसे फ़ायदा ले सकता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहली बात है, हमारे जो भी भाई यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, तो उन सब के लिए जो है ना, मैं एक सिर्फ एक बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं मुकम्मल तौर पे एक सेटअप उनको लगवा के दूंगा, जिसमें तमाम चीज़ें होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह घर से शुरू हुआ, फैक्ट्री तक आया, और इंशाल्लाह असद भाई मैं तकरीबन इसी यानी कि अगले साल में मायोनीज, केचप मायोनीज का भी सेटअप शुरू करने लगा हूँ, क्योंकि उसकी भी डिमांड बहुत है, जिसको हम ये दे रहे हैं, कहते हैं आपने पहले हमें केचप मायोनीज दी थी, अभी हमें दिया करें, तो पहले किसी से लेना, अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना ही काम शुरू कर रहे हैं आरएस के ब्रांड के नाम से। तो इंशाल्लाह जो भी हमारे पास आएगा तो उसको सिर्फ हम ये एक मशीन नहीं देंगे, बल्कि मुकम्मल सेटअप जो होगा कि रोजाना एक दुकान से वो 500 हजार रुपए कमा सके। माशाल्लाह, ये जानना चाहूंगा कि इस मशीन से मतलब ये है कहने का कि लोगों को ये मशीन कितने की मिलेगी अगर, और मुकम्मल सेटअप जो है वो कितने का मिलेगा? देखिए ये मशीन जो है ना, ये बॉडी वाइज भी आप देख लें, डबल डाई की मशीन है और ये बड़ी ही बेहतरीन मशीन है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो भाई या बहन इसको लेना चाहते हैं, सबसे पहले उनके लिए इसकी ट्राई बिल्कुल फ्री है। क्या बात, मेरी यहाँ पे एक शालामार बाग में है, एक बदामी बाग में है, कि जो भाई यहाँ पे आना चाहता है, मशीन को यूज करना चाहता है, मशीन को देखना चाहता है, मशीन का मटीरियल देखना चाहता है, वो बिल्कुल आ सकता है, मशीन को यूज कर सकता है। और दूसरी बात, इसकी हम गारंटी देते हैं, इस मशीन की हम गारंटी देते हैं, और उसके बाद मशीन की जब मशीन इंस्टॉल कर हो जाए किसी के पास, तो उसके बाद हम उसको मुकम्मल बैकअप देते हैं। हमारे लड़के हैं कंपनी के, तो वो जाते हैं वहां पे और उसका मुकम्मल तौर पे, उसका कोई मसला अभी तक आया तो नहीं है, अगर आ जाए तो उसको मुकम्मल बैकअप करते हैं। अच्छा जी, दोबारा क्वेश्चन दोहरा रहा हूं, कितने की मशीन, कितने का सेटअप पड़ जाएगा एक बंदे को? ये तकरीबन डबल डाई के साथ आप अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने घर में 1,75,000 रुपए की
काम शुरू कर सकते हैं। वाह जी वाह, मुकम्मल सेटअप। मुकम्मल सेटअप, वेरी गुड। मतलब 1.75 की मशीन, रॉ मटेरियल को भी ऐड करें थोड़ा सा उसमें। सबसे आपने अच्छा क्वेश्चन किया रॉ मटेरियल का। इसका जो रॉ मटेरियल है वो आपके किसी भी शहर के और किसी भी अगर इलाके में है तो वहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं उसका जो मिस प्रिंटिंग जो होता है ना वही हमारा रॉ मटेरियल होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप इंशाल्लाह आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका फिर प्रिंटिंग प्रेस का जो मिस प्रिंट होगा वो आपका मटेरियल नहीं होगा बल्कि आप चले जाएंगे मिल्स के पास। अब जो मेरा मटेरियल है ये मिस प्रिंटिंग नहीं है बल्कि ये जो मिल्स वगैरह है उनका जो है ना मिस प्रिंटिंग है। सही हो गया। एक और अहम सवालात की तरफ अब आना चाहूंगा, ये मशीन सिंगल फेज पे चलती है थ्री फेज पे? असद भाई ये आप सिंगल फेज मशीन है, आप अपने घर में अपने घर के बोर्ड में भी चला सकते हैं। आप तो काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तजर्बा है, कितना बिल आ जाता है महीने का? तकरीबन असल में इसका जो लास्ट मंथ हमारा बिल आया है जो लोगों को हमने घरों में लगा के दी है, अगर आप 10 से 12 घंटे यूज करते हैं तो इसका तकरीबन 4.5-5 हज़ार के राउंड अबाउट इसका बिल आ जाता है। बिल आ जाता है इसका। कितनी जगह चाहिए एक मशीन को रन करने के लिए रॉ मटेरियल के साथ, कितने वर्कर चाहिए? वर्कर तो मैं पहले भी आपको मैं कह रहा हूँ अगर आप अपना खुद काम नहीं करेंगे ना तो आपको पता लगेगा नहीं कि यार मैं क्या मुझे क्या कमा रहा हूँ। खुद स्टार्ट करें क्योंकि जब शुरू से आपका छोटा सेटअप होगा, एक मशीन होगी, आपको कैलकुलेशन करना भी आपके लिए आसान होगा, आपको बेचना भी आसान होगा, आपके लिए आसान होगा। लेकिन जब अल्लाह आपको इसमें तरक्कियाँ दे और आप फैक्ट्री के मालिक बन जाएं लेकिन फिर आपके लिए कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। आप अपने वर्कर को बता नहीं सकते कि भाई इस इतने घंटे में इतनी प्लेटें इतना कुछ निकल जाता है। सबसे पहली बात यही है कि आप खुद ये काम करें और ये अपने घर में ये 4x4 ये मशीन देख लें क्या साइज है, ये साइज है और इसके लिए थोड़ी सी जगह रॉ मटेरियल चाहिए, आप अपने घर में आसानी से शुरू कर सकते हैं काम। सही हो गया जी, जबरदस्त। अच्छा जनाब ये है कि इसकी प्रोडक्शन कितनी है, 12 घंटे चलाएं 24 घंटे चलाएं तो कितना माल बन सकता है? अच्छा 12 घंटे की जो प्रोडक्शन है हमारी मशीनें तो 24 घंटे चलती हैं, डबल डबल हमने वो लड़कों का रखा हुआ है। 12 घंटे की एक लड़की की जो प्रोडक्शन है वो 14 से 16-18 हज़ार तक है, इसके राउंड अबाउट है 14 से 16-18 हज़ार के राउंड अबाउट है। अच्छा इतना मतलब प्रोडक्शन 12 घंटे की हो जाती है। माशाल्लाह जी हाफिज साहब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक अहम सवाल हमारे व्यूअर्स के लिए, मशीन लगा लें फैक्ट्री लगा लें इसके लिए टोटल बजट 1.75 की मशीन, बाकी बजट भी आइडिया होगा आपको कि ये इतने में स्टार्ट हो जाएगा? देखिए रॉ मटेरियल जो है वो आप स्टार्ट लें, जैसे मैंने अपना रॉ मटेरियल स्टार्ट लिया था सिर्फ और सिर्फ 20 हज़ार रुपये से स्टार्ट लिया था रॉ मटेरियल का। 20 हज़ार रुपये का मैंने रॉ मटेरियल लिया, उनके आगे जो मार्केट है वो मुकम्मल कैश पे है। मैंने माल बेचा, दोबारा माल लिया, दोबारा बेचा, आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एडवांस पैसे पड़े होते हैं मिल वालों के पास, जैसे माल निकलता सारा मेरे पास आ जाता है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। तो जी व्यूअर्स आपने देखा कि भाई ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, उम्मीद करता हूँ बिज़नेस के हवाले से ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हाफिज साहब का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप इनसे रابطہ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बिजनेस के वजह से वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।